हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, नीट 2020 का एग्जाम 3 मई को है। 3 मई को एग्जाम के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस बार एनटीए ने डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो क्या है ये चेंजिंग, आइए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीट 2020 के एग्जाम के दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो NTA नीट की वेबसाइट से 27 मार्च से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें एडमिट कार्ड पर पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चिपकाने के लिए स्पेस होगा, उस पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चिपकाना है। ध्यान रहे कि ये पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ वही चिपकानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपलोड की थी। इसके बाद में एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ साथ भी लेकर जाना है, जो एग्जाम हॉल में अटेंडेंट सीट पर चिपकाना है। इसके अलावा NTA ने इस बार चेंजिंग की है, वो ये है कि आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का कलर फोटोग्राफ यानी 4x6 इंच का एडमिट कार्ड पर चिपकाना है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो ये दो पेज में डाउनलोड होगा, दूसरे पेज पर पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ चिपकाने के लिए स्पेस होगा, वहाँ पर ये आपको फोटोग्राफ चिपकाना है और ये परफॉर्मा एग्जाम हॉल में एग्जामिनर को देना है। 2018 या इससे पहले CBSE द्वारा पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ पेस्ट करवाया जाता था, मगर 2019 में NTA ने सिर्फ एक ही पेज का एडमिट कार्ड अपलोड किया था, मगर इस साल फिर से पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ एडमिट कार्ड के साथ अटैच परफॉर्मा पर पेस्ट करना होगा। इसके बाद में आपको एक वैलिड फोटो ID कार्ड लेके जाना है, वो ओरिजिनल होना चाहिए। ये हो सकता है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड और 12th का इसमें एडमिट कार्ड भी हो सकता है जिसमें रोल नंबर इश्यू किए गए हों बोर्ड से। इसके अलावा वैलिड फोटो ID गवर्नमेंट का हो सकता है, कोई भी इनमें से कोई एक लेकर जाना है आपको। इसके बाद में जो विकलांग हैं और PWD कैटेगरी में किसी प्रकार की सुविधा लेना चाहते हैं तो उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी PWD सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इसके बाद विकलांग कैटेगरी के अंडर आने वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल करते समय स्क्राइब यानी हेल्पर की डिमांड की है तो स्क्राइब यूज करने के लिए अंडरटेकिंग लेटर लेकर जाना होगा। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम वाले दिन कर लेकर जाने हैं, इनके बिना आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बाकी अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।